इतने चूल्हा कटदा बच्चे बीमार होंगे बच्चा वो तो हो गया। इस बंदे अगर मैं तुम्हें मुक के दसागा ये बंदा बहुत बड़ा मुजरम है तो बहुत बड़ा काला इलम करता है नाल है गड़ा खोदे तो उतू अपनी बीवी दी हड्डियां कट के उन्होंने मंत्र पढ़ उन्होंने मंत्र पढ़ता है कबर दफन की है एक उत्थे ही इतने भी दिन लोग ए भी कबर आने ये भी इन्हें खोद के भी लाजमी बंदे आने जो कट के मैं सैड करता इतने काला गंदा इलम बैक करता है। सानू काफ़ी चीज़ा मिलिया बोतल और ब्लड जो मुरदार का ब्लड होंगे वो बोतल के उस तो बाद खोपड़ियाँ वगैरह वो जिस टाइम मिलिया मैं फिर वो कबर खुद पट्टी है कि जादूगर नू गंदा लिबास गंदी जगह गंदा खाना गंदे कपड़े हर चीज़ गंदी पसंद होती है। कब्रिस्तान अज की कीते कुछ भी नहीं किसे कीते आ उत्थे खड्डा खोद के की लगे सी कुछ भी नहीं करदे असी बकरियां चारने किसे के करना खड्डा खोदने नहीं मैं गर्मियां किन्ने मर बेरुखती कीती है ऐस गर्मी च कौन जांदा है तमाम तरी बाबा जी सिर्फ कबर कढ़ी अपने वास्ते कढ़ी है किसी वास्ते नहीं अपनी जात वास्ते कढ़ी है। कोटला के करीब गांव है मोजिया सरैया और यहां पर आज बहुत ही दिलखराश और बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। ये इस गांव का कदीमी कब्रिस्तान है यहां पर आज एक डेड बॉडी की मुबैना तौर पर बेहुर्मती की गई है और उसके साथ इसी गांव का कोई शख्स बैठकर चिलाकशी करता था। आज गांव वालों ने उन्हीं घड़ों में हड्डियां देखी दूसरी ऐसी गंदी चीज़ें देखी जिन पर वो ये अमल ये मंत्र वगैरह करता था। अभी पुलिस को भी इतला इस वाक़े की दे दी गई है पुलिस भी यहां पर पहुंचती है लेकिन उससे पहले आइए आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये कब्रिस्तान अज की कीते कुछ भी नहीं किसे कीते आ उत्थे खड्डा खोद के की लगे सी कुछ भी नहीं करदे असी बकरियां चारने किसे के करना खड्डा खोदने च किन्नी उम्र की नहीं है तुहाडी कि उम्र नु तुसा के करना गल बात ते दसो ना कोई की हो गया जे गल तुहाडे नाल तरीके नाल करने आ पे कोई ऐसी गल नहीं गल सुनो इधर आओ कब्रिस्तान अज जेड़ी को कबरां दी बेरमती होई है उदी तुहाडा को किरदार है नहीं मैं गर्मियों किन्ने मर बेहरमती की है तुसी कब्रिस्तान आज नहीं गए नहीं राती भी नहीं गए ना राती ना देने ऐस गर्मी च कौन जाता है ਅਥੀ ਗਲੋ ਬਥੀ ਗਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਗਾਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਓ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਜੋ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਚਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਆ ਮਾਲ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ मैनूं की पता जी करदा जां नहीं करदा तुसीं कौन जानदे इहनूं ना अंगे बकरियां दा कारोबार ते नहीं तुसीं वी इहदा शुरू कर लिया मैं बकरियां ना चकाना बस इस वक्त जो बंदा था जिस पे ये इल्जाम है कि ये जादू टूना वगैरह करता है और ये उस कब्रिस्तान में भी गड़ा खोद कर वहाँ पर बाकायदा चिल्ला कर रहा था। ये जैसे इसको मामले की संगीनियत का पता चला है कि ये मामला जो है ये हाइप क्रिएट कर गया है ये मीडिया तक भी और थाने तक भी पहुँच गया है तो ये बंदा अपने आप को छुपाता छुपाता अपने जानवर लेकर इस गांव से काफ़ी आगे ज़मीनों की तरफ निकल आया जो आपने भी देख रहे थे। पुलिस ने भी काफ़ी इसमें तहर्रक किया है हमने भी यहाँ पर इसके पीछे काफ़ी दौड़ लगाई और अभी ये इस डटाई पर था कि मैं आप लोगों से बात ही क्यों करूँ मैं आप लोगों की बात का जवाब दे नहीं हूँ अभी थाने जाने पे भी वो इनकारी था तो खैर अभी पुलिस तहर्रक करके उसको लेकर थाने जा रही है मज़ीद चलकर थाने भी इनसे बात करेंगे और पुलिस से भी पूछेंगे कि गांव वालों की क्या शिकायत थी और इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है। इधर असरा जाहिर हो कि इतने चूल्हा कटदा बच्चे बीमार होंगे बच्चा वो तो हो गया
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਠੇ ਚੜਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਚੁੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੜਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੜਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੰਗੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫਨ ਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ ਸੂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਿਕੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗੰਦਾ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਬਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਛੱਡਦਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਐਡੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸੀ ਵਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਆਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਦ ਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਗੰਦਾ ਇਲਮ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਬੰਦ ਸੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਇਹ ਬਾਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਔਰ ਬਲੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰ ਆ ਖੁਦ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਲੇਟ ਹੈ ਕਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਰ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਬਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ जी। नाज़रीन, अभी हमने इस कब्रिस्तान का विज़िट किया और ये जो मुतासरा कब्र थी और जो बाकी के वो गड़े वो खड्डे थे जहाँ पर ये चिलाकशी जारी थी वो भी आपने देखी है। और आपको जो अहले दये हैं और एक मुतासरा शख्स जिसका ये कहना है कि इसी चिलों की वजह से, इन्हीं चिलों की वजह से, इन्हीं मंत्रों की वजह से उसका एक बेटा जो है वो फोत हो चुका है और बकिया जो उसकी बेटियाँ और एक बेटा है वो बीमार हैं। इसका, इस शख्स का ये भी कहना है कि इसी के अमल की वजह से, इसी के अमलियात की वजह से इसके घर में भी काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं, यहाँ तक कि वो गिरने के करीब हो चुका है। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ? ਸਲਾਮ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਫੀ ਤੋਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਫੀ ਹਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੀ? ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਕੌਣ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜਾਈ ਛੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਬਸ।
इस गल वास्ते कबर तैयार की गई है। पहला जी कड़ी थी बीबी फोत हो गई थी दफना छड़िया ने सिर्फ जी वैसे कबर बनाई है दाना जहा क्या जी कबर है भरजाई दी जो सुराख किए गए काम आते सुराख किए गए जी नाल कबर खोदी जो हूँ आपे ओदे नाल जिहड़ा सुराख नाल दी कबर च कीते आ गया है ओ काम वास्ते सी नाल दी कबर च सुराख मैं नहीं तकिया नहीं ते ए जिहड़े उत्ते सीमेंट दे बाले रखे सी जे कबर कढ़ के इहदे ए राती चुक के को अंदर शंदर जाण दी भी जगह ऐसी को रस्ता ऐसी ओदे नहीं विच बंदा जांदा ही कोई नहीं ते विच बंदा जांदा ही कोई नहीं हड्डियां और खोपड़ियां बोतल पता नहीं किसने सटियां बननी साढ़े चू योजा कोई नहीं अमल करता कि थां एक थां से टोया कड़ना सी ना त्रै थावां ते क्यों कड़े ने टोया तो एक ही थां मैं तो तके भी कौन वो जो बाकी के दो ने उत्थे भी खुदाई हुई सी कबरे खोदन हुई चार कबर हाँ चार खड्डे उत्थे कड़े गए ने क्या चार कबर तुसीं अपने वास्ते कड़ियां सी चार कबरां सी मैं तो उत्थे दुआ मांग के टुरा आवां ते चले इनके घर भी चलते हैं और वहाँ के हालात देखते हैं। अभी इस घर में ये जो शफी है इसके घर में हम पहुँचे हैं तो उसके भाई से भी हमारी बात हुई है। बज़ाहिर तो शरीफ आदमी नज़र आते हैं लेकिन उनका ये कहना है कि हमने वो गड़े खुद खोदे थे, एक गड़ा खुद खोदा था जिसको हमने अपनी पेशगी कबर के तौर पर ताकि जब कभी हम फोत होते हैं तो हमें वहीं पर दफन कर दिया जाए। इनके घर में एक कमरा है जिसको इन्होंने ताला लगाया हुआ है। अभी इनका ये कहना है कि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, वो बड़े भाई शफी के पास ही होती है और वो वहाँ पे कोई कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं या मसल्ला वगैरह रखा हुआ है, लेकिन वो कमरा इनका मुख्तस कह लें किसी अमल के लिए है या इबादत के लिए है, लेकिन वो कमरा उन्होंने बिल्कुल एक सेपरेट रखा हुआ है। शायद हो सकता है इनके पास चाबी हो लेकिन हम ज़बरदस्ती तो नहीं इनसे खुलवा सकते। यहाँ के जो अहले इलाका लोग जो इनके अमलियात की असर की वजह से परेशान हैं वो यहाँ पे इस ताले को तोड़कर भी कमरा दिखाने को हमें तैयार हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा गैर कानूनी अमल नहीं करना। हमने इनसे भी प्यार से बात की है, इन्होंने जो कुछ भी कहा है हमने इनके साथ आगे बहस नहीं की, तकरार नहीं किया। जो कुछ इन्होंने कहा है ये इनका अपना अमल है, इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। शफी जो है जो गांव वालों को जिस पे कभी शुभ है वो इस वक्त जेर हिरासत है, उस पे एप्लीकेशन भी दे दी गई है। वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कार्रवाई है। जी नाज़रीन, इसी केस में एक शख्स शफी नाम का जिसको गाँव वालों के कभी शुभे पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, अभी पुलिस ने चूँकि उस शख्स को ज़ेरे हिरासत लिया हुआ था इस वाक़े के बाद, अभी उस पर कब्रों की बेहुरमती और जैली अमलियात के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अभी इसमें सबक हासिल करने वाली बात यह है कि बाज़ुकात ऐसे लोग होते हैं जो नासमझी में ऐसे अमल अंजाम दे देते हैं जो कानूनी तौर पर जुर्म होते हैं। अभी पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। हमारा भी इस सारा प्रोग्राम इस सिनेरियो को दिखाने का बेसिक मकसद यही है कि लोग इस तरह के जो गैर शरई और गैर कानूनी फेल हैं उनसे बचें और अपनी ज़िंदगियों को अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर और राजा अरशद को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।